वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार पैरामेडिकल के रिजल्ट के बारे में। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों का कॉल भी आया था, टेलीग्राम पर भी मैसेज आया था और व्हाट्सएप पर भी आया था कि सर रिजल्ट आ गया क्या, अगर रिजल्ट आ गया है तो चेक कैसे करें, अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आज आने वाली है कि अगर आज आने वाली है तो कितने बजे आएगी सर, अगर आज नहीं आने वाली है तो कब आएगी सर और कितने बजे आएगी सर। तो इस वीडियो में आप लोगों का यही डाउट हम क्लियर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ऐसा डाउट क्लियर हो जाने वाला है कि आप लोग दोबारा ना ये क्वेश्चन पूछिएगा नहीं और यूट्यूब पे बार बार सर्च भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो आज है भैया 21 तारीख, ठीक है। अगर हम लोग अंदाज़ा लगाएं तो बिहार पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल या फिर बिहार पैरामेडिकल मेट्रिक की बातें करें तो इसकी रिजल्ट ना अंडर 1 मंथ आ जाते, यानी कि 30 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाती है, ठीक है। देखिए आपके सारे क्वेश्चन का जवाब हम देने वाले हैं इस वीडियो में, बस 2 मिनट की वीडियो बनी कि वेट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 1 मंथ के अंदर यानी कि 30 दिन के अंदर रिजल्ट आप लोगों की आ जाती है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का एग्जाम कब हुआ था, 30 और 31 को हुआ था। अगर इस प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देखें तो हम लोगों का रिजल्ट कब आ सकता है, सबसे पहले तो आप ये क्लियर हो जाइएगा आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, और आज आने वाली है या नहीं आने वाली है, फिर आज आने वाली है तो कितने बजे आएगी वो भी बताने वाले, ठीक है। अगर आज नहीं आने वाली है तो कब आने वाली है वो भी बता देंगे, ठीक है। देखिए अगर इस प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देखें तो यानी कि 31 तारीख को, यानी 30 तारीख या फिर 31 तारीख बोल सकते हैं, तो अगर हम लोगों का एग्जाम हुआ है तो इससे पहले हम लोगों का रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 से 30 तक तो 100% आएगी, ठीक है। लेकिन एक और चांसेस ये भी इससे पहले यानी कि आज यानी कि 21 तारीख को आ सकती है क्या, तो आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं अगर BCEC का जो एग्ज़ाम हुआ था, BCEC का, BSC नर्सिंग बिहार इंजीनियरिंग वाले का, तो 24 को एग्ज़ाम हुआ था तो 14 को आ गया था, ठीक है। 24 को एग्जाम हुआ और 14 को रिजल्ट इसका आ चुका है ऑलरेडी, तो आप लोग इससे जोड़ सकते हैं 24 आप लोगों का 30 हो गया तो 14 आप लोगों का 20 हो गया, यानी कि 31 को अगर आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ था पैरामेडिकल का तो इस अनुसार 21 को भी आपका रिजल्ट आ चुकता है, ठीक है, यानी कि आ सकता है, यानी कि आज भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो रिजल्ट की संभावना देख सकते हैं आप लोग कि आज से लेकर, ठीक है, 30 तारीख तक में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन 30 तारीख तक आपका डेट नहीं जाएगा, ठीक है, 21 से 25 तक रहेगी, ठीक है। और आप लोग ये बार बार क्यों ही क्वेश्चन करते हैं, आप लोग सिंपल सा गूगल पे देखिए, आपके आप वेबसाइट आप लोग खोलने नहीं जानते हैं क्या, देखिए इस तरह गूगल पे आइए, ठीक है, BCEC सर्च कीजिए, यहाँ पे BCEC सर्च करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से आप यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। अगर इतनी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को तो क्या करनी है आपको, सिंपल सी एक बात है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करने से आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है, वहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हो जाती है आप लोगों की। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ जैसे ही रिजल्ट आते हैं हम वहाँ पर आप लोगों को बता देंगे, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे रिजल्ट आएगी ना अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग आप लोगों को वीडियो बना के बताने वाले हैं, लाइव आके आप लोगों का रिजल्ट भी चेक करने वाले हैं जैसे ही रिजल्ट आती है, ठीक है, या फिर आज ही आती है तो आज ही आप लोगों को बता देंगे, जैसे रिजल्ट आएगी वैसे हम बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए यह है कि जैसे रिजल्ट आती है ना उसके बाद होती है क्या, काउंसलिंग की बातें, ठीक है, आप लोगों को यह पता चल गई होगी कि हम लोगों का इतना मार्क्स है, इतना कंफर्म बनाया है, या अंदाजा 80-90% स्टूडेंट तो अंदाजा लगा लिए होंगे कि आप लोगों का रिजल्ट कैसा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों का रिजल्ट अच्छा होने वाला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा खराब भी होने वाली है तो भी प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ना हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा कि एडमिशन के जैसे आपका रिजल्ट आता है ना उससे पहले आपका उसके जस्ट बाद आपका काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद अलॉटमेंट आती है, तो काउंसलिंग में आप लोगों को क्या होती है, काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आप लोगों को रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहती है, ठीक है, यानी कि रिजल्ट आप लोग बोल सकते हैं अगर 80% आप लोगों का ये गारंटी रहती है रिजल्ट अच्छा हुआ तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन 10-20 मार्क्स कम भी है, रिजल्ट खराब भी आ रहा है फिर भी आपको अच्छे कॉलेज चाहिए, तो वो क्या किस पर डिपेंड करती है, वो काउंसलिंग पर डिपेंड करती है, आप काउंसलिंग किस प्रकार से कराते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो हम लोगों की यहाँ टीम यहाँ बैठी रहती है जो एक्सपर्ट काउंसलर होती है वो आप लोगों की काउंसलिंग करके देती है, बिहार पैरामेडिकल के, बिहार पॉलिटेक्निक के, हम लोग ऑलरेडी पिछले साल हम लोग क्या किए हैं 3-4 हज़ार स्टूडेंट का एडमिशन हम लोग कराए हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है, हमारे जितने स्टूडेंट हैं वो तो बिल्कुल हमसे ही काउंसलिंग करवाएंगे, स्मार्ट गुरुकुल के जो भी काउंसलर है उससे ही करवाएंगे। तो आप लोग कैसे कॉन्टैक्ट कर पाएगा जब रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग कैसे करवाएगा, आप लोग क्या करेंगे, आपको व्हाट्सअप ग्रुप का यहाँ पर लिंक दिख रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम ग्रुप पर, आप दोनों जगह ज्वाइन हो जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे सर टेलीग्राम पे ऑलरेडी ज्वाइन है, आप जो ज्वाइन है जिस ग्रुप में वो अलग वाला ग्रुप है, ये अलग वाला ग्रुप है, ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन
कर ही लेंगे काउंसलिंग करवाने के लिए, ठीक है। और जैसे ही रिजल्ट आप लोगों के आते हैं या फिर आज आती है, कल आती है या फिर परसों आती है, जब भी आती है, ठीक है, एडजेक्ट आप लोगों का कोई नोटिस आया हुआ नहीं है, तो जैसे ही आती है हम आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म करने वाले हैं यूट्यूब पर और ऑनलाइन लाइव आके आप लोगों का रिजल्ट चेक करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्योंकि बिहार परामनगर और पॉलिटेक्निक के लिए ही स्पेशल ये चैनल है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बहुत ही प्यारा वाला इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाइट। और हाँ, सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। एडमिशन के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए बाय 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 बाय।